भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सही कहा करुणा तूने, मजा ही आ गया। आज तक जो मैं नहीं कह पाई वो तूने कह दिया। वाह करुणा वाह। करुणा ऐसे ही डटे रहना, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि मुश्किल लड़ाई आक्रमण करके ही जीती जाती है, ना कि बचाव करके। घर के सबसे बुजुर्ग होकर ऐसे हाथ में पैसे लेकर खरीदने की बात करेंगे ना, तो ये घर नहीं बल्कि बाजार बन जाएगा। और बाबा, घर को ना घर ही रहने दीजिए। बाबा, 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 आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर ऐसे रो क्यों रहे हैं बाबा? वो बाबा, कुछ तो बोलिए। आप कुछ कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो मैं क्या समझूं? क्या हुआ बाबा? आई आप बिल्कुल सही कह रही है। अब ये करुणा आक्रामक बनेगी और बिल्कुल बचाव नहीं करेगी। फिर देखते हैं कौन भीम टिकता है और कौन रमा टिकती है। करुणा दीदी, आपने क्या किया? क्या ही आपने ऐसा क्या किया जो बाबा बार भीम भाव के सामने से रो रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने भी कुछ गलत बात नहीं कही है बाबा से। मैंने बस उनका सच से सामना करवाया, वही सच जिस सच का ढोल भीम और रमा पीटते रहते हैं। हाँ, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि सच इतना कड़वा होता है कि आंसू आ जाए। मगर आप लोग ने ऐसा किया क्या? कुछ नहीं, मैं तो बाबा के लिए खाना लेकर आई थी और उन्होंने वो खाना फेंक दिया। फिर मैंने बस उनसे इतना कहा कि ये सब्जी उनके बेटे भीम या उनकी बहू रमा की कमाई की नहीं थी, बल्कि मैंने खरीदी थी। यही बात उन्हें बुरी लग गई तो लग गई। लग गई तो लग गई, अरे बाहर एक बार चलकर देखिए, एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के सामने कैसे रो रहा है। तो तू ही जाकर देखना, क्योंकि तुम सब हर चीज को भावनाओं के चश्मे से देखने लगते हो। अरे कभी हकीकत के चश्मे से भी देखो ना। और हकीकत के चश्मे से देखने पर मुझे यही लग रहा है कि फिलहाल मुझे जाकर खाकर सो जाना चाहिए, कल सुबह काम पर भी जाना है। दीदी ज्यादा तेज मत बनिए, बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ। चलिए, ये क्या कर रही है? चलिए, आप ही ऐसे रोने लगेंगे तो हम सबका क्या होगा? हाँ बाबा, भीम सही कह रहा है, चुप हो जाइए। हाँ बाबा, अब बस हो गया, चुप हो जाइए। आइए देखिए बाबा का क्या हाल है। रो रहे हैं ये,
और इस घर में यही नहीं रोए, इससे पहले भी तो बहुत लोग रोए हैं। हाँ, इससे पहले भी बहुत लोग रोए हैं इस घर में, लेकिन ये बाबा है हमारे, बड़े बुजुर्ग है, इस घर का आधार है ये। आज इनकी वजह से हम सब हैं। करुणा भाभी, जिस घर में ऐसे बड़े बुजुर्ग रोते हैं ना, उस घर में खुशियां कभी नहीं आएंगी, ऐसे घर में शांति कभी नहीं रह सकती। अच्छा, कितनी शांति है इस घर में? इतनी रात को तुम चिल्ला रहे हो, और खुशियां, खुशियां कितनी है इस घर में? घर की एक बहू घर छोड़कर भाग गई, और तरक्की की तो क्या ही कहे, पढ़ लिख कर एक बेरोजगार जैसा भाई है, और बाकी के दो भाई बेरोजगार भाई के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। भाभी, अभी आप हद पार कर रही हैं। अच्छा, हद मैं पार कर रही हूँ? चलिए, आप ये क्या कर रही है? अब यहाँ खड़े होकर भाभी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, जो कहना है कहो, क्योंकि अंदर शांति भंग करोगे तो सोएंगे कैसे? अरे, तुम्हारी बीवी भाग गई, तुम परेशान हो, बाबा को कोई बात बुरी लग गई तो वो रो रहे हैं, सब देख ले अलग अलग, हमें परेशान ना करे बस। करुणा दीदी, अब दिन भर दिन क्रूर हो रही हो। हाँ तो जा, जाकर बता दे, दूर दूर तक जाकर बता दे सबको कि मैं दिनों दिन क्रूर होती जा रही हूँ, बस मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए खाना खाने। रमा, कहाँ चली गई हो तुम? अभी तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी था, मैं ही नहीं तुम्हारे बिना ये घर अकेला हो गया है। बाबा, बुआ, भैया, आप सब जाकर सो जाइए, मैं रमा को ढूंढने जाता हूं। भीम, भीम बेटा, हमें भी नींद थोड़ी आएगी जब ऐसे होने पर अपना कोई गायब हो जाता है, तो बेचैनी होती है, लेकिन रिश्ते में जिनकी फितरत नमक की तरह होती है, जिनके होने से भले ना उसकी महत्ता समझ आए, लेकिन उसके ना होने पर अभाव बहुत हो, उसके बिना अब एक पल भी शांति नहीं मिलेगी, अभाव से ज्यादा जरूरत महसूस होगी। मैं समझ सकता हूं बाबा, मगर इतनी रात को आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, अब अपनी पत्नी को एक पति ही ढूंढेगा। बेटा घर से गायब हुआ है और तू यहाँ खड़ी है, देख ले, सालों से जैसे अपने पति की राह देख रही थी, कहीं उस भीम रमा के चक्कर में बेटे का जीवन भर इंतजार नहीं करना पड़े। जीजा भाई, जहाँ आग लगा रही हो, जिसे जला रही हो और जिसे झुलसा रही हो ना, वहीं जा करके झुलसा, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी कोई चाल नहीं चलने वाली है। और हाँ जीजा भाई, रहा सवाल कि मैं कैसी माँ हूँ, तो ये सवाल पूछ कौन रहा है? तुम जीजा भाई, जिसको माँ शब्द का मतलब तक नहीं पता है। मैं बहुत अच्छी माँ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा दीपक भीम और रमा के
छत्र छाया में पल रहा है, उनके साथ है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। क्या कहा तूने? अच्छी माँ, तू बेटा घर से गायब है और अच्छी माँ यहाँ खड़ी खड़ी भाषण सुना रही है। भीम गया है ना रमा को ढूंढने, मुझे विश्वास है भीम पर कि वो मेरे बेटे दीपक को भी ढूंढकर जरूर लेकर आएगा। और वैसे मैं भी जा ही रही हूँ ना उसे ढूंढने, मगर जीजा भाई तुम कुछ भी साबित मत करो कि मैं कैसी माँ हूँ और कैसी नहीं। तुम ना जीजा भाई बस इस रात के अंधेरे में इस गफलत में मत पड़ जाना कि सब कुछ तुम्हारे मुताबिक अंधेरा अंधेरा हो रहा है। सुबह होगी, रोशनी भी आएगी, क्योंकि रात का अंधेरा या किसी भी व्यक्ति से रची गई साजिश का अंधेरा बहुत देर तक नहीं रह सकता। जीजा भाई तेरे घर में रोशनी कैसे आती है ना वो मैं देख लूंगी। काफी दिनों से देख रही हूँ तुझे, बहुत बोलने लगी है तू, अब तो मेरे घर के मसलों में भी बोलने लगी है। जा खुद के घर में जो अंधेरा हुआ है ना उसमें रोशनी कैसे लाएगी वो सोच। देख क्या रही है, हाँ निकल यहाँ से निकल। अच्छी माँ बन रही है। काका मेरी पत्नी रमा कहीं मिल नहीं रही है, आपने देखा क्या कही? नहीं नहीं। काका मेरी पत्नी रमा कहीं दिख नहीं रही है, मिल नहीं रही है, मतलब आपके यहाँ मजदूरी के काम बहुत रहते हैं ना, तो शायद काम ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई हो। रमा तुम्हारी पत्नी है? हाँ। भीमराव हो तुम? जी मैं भीमराव हूँ। अरे वो भाग गई, तुम्हारी जात के लोगों का ना यही है, जहाँ ज्यादा पैसा मिला वही भाग जाता है। काका ढंग से बात कीजिए जरा, पत्नी है वो मेरी, इस तरह से बात करेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा है कि मेरे पति हैं, इसलिए तुम भी जरा ढंग से जाओ आगे, गाय भैंस बकरी खो जाए तो हमें दुख होगा, तुम्हारी जात में कोई गायब हो जाए खो जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। चलो निकलो यहाँ से। लगता है कि रमा भीम को मिली नहीं, वरना अब तक आ गया होता, पता नहीं कहां चले गए। तसल्ली बस एक ही बात की है कि रमा अकेली नहीं है, दीपक उसके साथ है। रमा के साथ अगर कुछ भी होता था तो वो मुझे जरूर बताती थी, मगर इस पर पता नहीं क्या हुआ जो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लक्ष्मी इस बार रमा को बहुत बुरा लगा होगा, इसीलिए तुमसे कुछ नहीं कहा होगा। बाबा चाय। मुझे पता है आप सब दुखी है, पर चाय पी लीजिए। करुणा बहुत रो रही थी अंदर, इसने आप सबके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए माफी भी मांगना चाहती। मांग माफी। माफ कर दीजिए मुझे। लीजिए बाबा चाय पी लीजिए। आई करुणा भाभी,
आप दोनों को शर्म नहीं आ रही? धारा प्रवाह बोले जा रही है, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो। जिस घर का छोटा बेटा छोटी बहू रात भर से घर से बाहर है, वो यहाँ बैठ के चाय पियेंगे? वान, भाई और भाभी को शर्म सिखा रहे हो? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, घर के बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। और माफी तो मांग ली ना करुणा ने, और क्या चाहिए? लेकिन नहीं, तुम तो बस पीछे ही पड़ जाते हो। हम क्या पीछे पड़ेंगे बाला भैया, अब तो खुद आगे आगे जा रहे हैं। बस बस नहीं, चाय यहां रखो। लक्ष्मी, लोटा लेकर आओ। जब कोई व्यक्ति ज्यादा सही लगे तो ज्यादा अच्छा, तो फिर उसकी सारी गलतियों को खुद ही झेलना चाहिए। लो, चाय तुम खुद ही पी लो। शायद तुम्हें अच्छा लगे, इस घर की बहू बेटा गायब है और इन्हें चाय पीने की सूची है। पी लो, चाय पी लो। अच्छा मौका मिला है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बाला को आज ही शीशे में उतार लो। से मैंने सबके लिए चाय बनाई थी, माफी भी मांगी, मगर अगर किसी को भी मेरी कदर नहीं रही। अरे करुणा, तुम रो क्यों रही हो? पागल हो क्या? इसमें रोने वाली क्या बात है? देखो, तुम तो पहले से ही जानती हो ना, हमारे घर में सबके ऊपर भीम और रमा का भूत चढ़ा हुआ है, बस इसीलिए ये सब। और ये सब तुम्हारी कदर करेंगे, मैं करवाऊंगा उनसे कदर। और रही चाय की बात, अब मेरी बीवी ने इतने प्यार से बनाई है तो मैं इसकी एक बूंद भी जाया नहीं होने दूंगा, सब की सब मैं पी जाऊंगा। देखो तुम, चाय नहीं पी रहे हैं आप, बल्कि सबके प्रति नफरत पी रहे हैं, और ये बहुत जरूरी था। लो देख लो, गए थे पत्नी को ढूंढने और भीग कर आ गए।
भीम, भीम। भीम, तुम्हें कुछ पता चला क्या? मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। नहीं काकी, मुझे भी रमा नहीं मिली। रास्ते में कुछ लोग मिले थे, उनसे रमा के बारे में पूछा तो ये ऐसे पानी डाल दिया और कहा कि रमा का कुछ भी हो जाए हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।